ये दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। और आज मैं आ चुका हूँ एथर के एक्सपीरियंस सेंटर पे, जो कि लोकेटेड है रीवा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पास खड़ी हुई है एथर 450X, अंदर भी रिश्ता खड़ी हुई है जो कि फैमिली स्कूटर के नाम से जाना जाता है। यदि इधर आप देखोगे तो एक ग्रिड मिल जाता है जो कि ये फास्ट चार्ज कर देगा। तो चलिए शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने प्रोडक्ट हैं और किस प्राइस रेंज में आते हैं। सो दोस्तों, आ चुके हैं एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर और एक बार विजिट कर लेते हैं, शोरूम को देख लेते हैं कैसा है। तो पहले आपको यहाँ पास दिखाई देगा एक डिस्प्ले मॉडल जो कि यहाँ पास काफी हाईलाइटेड कलर है, ये रेड। देन यहाँ पास देखो 450X खड़ा हुआ है। इधर यदि आप देखेंगे तो एस सीरीज का पार्ट है सारी चीजें, जैसे आप देखो फुट मैटी है, देन हेलमेट है, ये इधर लेडीज फुट रेस्ट मिल जाता है जो कि। और इधर यदि देखोगे रिश्ता के लिए कुछ एसेसरीज इधर रखी गई है, प्लस यहाँ पास 450X के लिए सीट कवर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पास दिया गया है इस पार्ट में। देन यदि आप उधर देखते हो पीछे की ओर तो आपको और भी प्रोडक्ट दिख जाएंगे। यहाँ पास यदि देखेंगे तो रिश्ता दिखाई देगी पहले, फिर 450X दिखाई देगी दूसरे कलर में। देन यहाँ पास देखोगे तो एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि स्कूटर में क्या क्या चीज़ दिया गया है, 0 to 43.3 सेकंड में जैसे जाता है, और सारी चीज़ें यहाँ पास मेंशन करा गया है। जैसे कस्टमर इंटर करता है सो एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर तो तुरंत उनको पता चल जाए। वेल, अब हमारे पास जैसे दो प्रोडक्ट यहाँ पास खड़े हुए हैं, यदि आप देखोगे तो 450X इधर है और इधर यदि देखते हैं तो एथर का रिश्ता खड़ा हुआ है। रिश्ता में दो वेरियंट आता है, एक आता है एस और एक आता है जेड। एस मॉडल जो आता है 2.9 kW बैटरी पैक के साथ आता है और जेड जो आता है 2.9 विथ 3.7 kW बैटरी पैक के साथ यह स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है। देन दोस्तों, इसके बारे में और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लुक से बात करेंगे कि इसका लुक दिखने दिखाने में कैसी है स्कूटर। गाइस, हमारे साथ एथर रिश्ता खड़ा हुआ है और रिश्ता में थोड़ी सी हम देख लेते हैं। इधर हेड में देखते हैं तो ये वाइजर मिल जाता है, प्लस यहाँ पास नंबर प्लेट के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। इधर यदि आप देखेंगे तो एथर की ब्रांडिंग करी गई है। वेल दोस्तों, इसके साथ ही फ्रंट पे आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिसमें कनेक्टेड 10 इंडिकेटर स्लाइड्स प्लस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में DRL भी दिए गए हैं। दोस्तों, यह स्कूटर थोड़ी बहुत आपको याद दिला देगा TVS iQube का। बेल, इसके साथ ही यदि यहाँ की बात करी जाए तो जो सस्पेंशन आपको इसमें दिए जाते हैं वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। यदि इधर देखोगे तो ये फ्रंट मिडगार्ड मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम रखी गई है। देन अब हम बात कर लेते हैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज 90-90-12 दिया गया है जो कि 12 इंच है और ये फुली ट्यूबलेस टायर है। विथ फ्रंट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पास आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो फ्रंट में आपको ये सारी चीज़ें दी गई है एथर रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में। यदि हम साइड की बात करेंगे तो साइड स्टैंड आपको इस टाइप से कुछ देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और विथ इसके साथ सेंसर ही दिया गया है। जैसे आप इस स्कूटर को पार्किंग में खड़ा करते हो तो ऑटोमेटिक ही यह स्कूटर पार्किंग में चले जाता है और यह स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा। एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास यदि देखेंगे तो इग्निशन स्विच मिल जाती है, प्लस कुछ आपको डिस्प्ले इस टाइप से देखने को मिलता है। फॉल सेफ भी यहाँ पास दिया गया है, जैसे कि आपका स्कूटर यदि बाई चांस गिरता है तो इस स्कूटर में सीन ऐसा होता है कि मोटर और जो थ्रोटल है वो वर्क नहीं करेगा और डायरेक्ट आपके फैमिली मेंबर में एक SMS चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। दोस्तों, ऊपर यदि देखेंगे तो यहाँ पास मोटर ऑफ है अभी फिलहाल, वो दिखाई दे रही है, प्लस यहाँ पास साइड स्टैंड का सेंसर दिया गया है। इधर आप देखते हैं तो ये नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है, प्लस यदि आप फिर से नीचे यदि देखते हो तो मोबाइल कनेक्टिविटी डिवाइस का ऑप्शन देता है, प्लस माई राइट का ये भी ऑप्शन देता है, प्लस यहाँ पास कई सारी सेटिंग है जो कि ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस और व्हीकल सेटिंग जैसे ऑप्शन इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। प्लस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और जो चीज़ें हैं तो रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो मोड्स के ही ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पास बैटरी परसेंटेज आपको ऊपर दिख जाएगी प्लस टाइमिंग के साथ, और यहाँ पास रिश्ता लिखा हुआ है। यहाँ पास यदि इधर देखेंगे तो ऑडोमीटर का ये ऑप्शन मिल जाता है। स्विच वगैरह की बात करें तो स्विच वगैरह की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम रखी गई है यहाँ। वेल, यदि आप ऊपर देखते हैं तो ये रिवर्स की स्विच मिल जाती है, यहाँ पास देखेंगे तो ये मोड की स्विच मिल जाती है जो कि स्मार्ट इको मोड्स मिल जाता है और जिप मोड मिल जाता है। इधर ये इग्निशन की स्विच मिल जाती है। यदि आप यहाँ पास देखेंगे तो ये आपको पास की देखने को मिल जाएगी, नोब्स मिल जाते हैं जिसके हेल्प से इस डिस्प्ले का कंट्रोल दिया गया है, प्लस 10 इंडिकेटर लाइट्स और ऑन की स्विच मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सीट की, तो सीट जो एथर क्लेम करता है वो एक फैमिली स्कूटर के तौर पर क्लेम करता है और इंडियन मार्केट में EV इंडस्ट्री में सबसे बड़ी सीट इसी स्कूटर की है जो कि आप इधर से देखते हैं तो यहाँ तक है और इसमें करीबन
आसानी से 3 लोग तो बैठ ही सकते हैं, प्लस यदि आप 4 लोग बैठाना, बट यदि एक लोग कोई और रास्ते मिल जाता है तो उसको भी आसानी से बैठा सकते हैं। यहाँ पास यदि आप देखते हैं तो रिश्ता जेट कई वेजिंग मिल जाती है, प्लस यदि आप मोटर में देखेंगे तो मोटर में पूरी तरह से ये कवर किया गया है। आपको यहाँ पास बेल्ट वगैरह दिखाई नहीं देगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। गाइस एथर रिश्ता में यदि आप देखेंगे रेयर प्रोफाइल में तो आपको ग्रैब व्हील तो मिल ही जाती है, प्लस यदि आप यहाँ देखते हैं तो एथर की वेजिंग मिल जाती है, प्लस कनेक्टेड आपको स्टॉप लाइट मिल जाती है, जिसमें से यदि आप देखेंगे तो इस स्कूटर में यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लाइट दी गई है, प्लस टर्न इंडिकेटर लाइट्स दी गई है। इधर यदि आप देखोगे तो ये सारी चीजें मिल जाती है, प्लस नंबर प्लेट के लिए यहाँ पास ऑप्शन मिल जाता है। गाइस रियर टायर की बात करी जाए तो यहाँ पास 12 इंच का टायर दिया गया है, 180 यहाँ पास साइज है, प्लस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिड ड्राइव मोटर मिल जाती है। गाइस रिश्ता जेड स्कूटर में आपको 2 बैटरी बैक के साथ यह स्कूटर आती है, तो आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 123 किलोमीटर से 160 या 149 किलोमीटर तक का IDC रेंज मिल जाता है, प्लस टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति आर की टॉप स्पीड आपको रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलता है। 0 to 40 सिर्फ 4.7 सेकंड में यह स्कूटर चली जाती है, प्लस इसके साथ ही गूगल मैप नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें जो आपको अंडरनीथ स्टोरेज मिल जाती है वो काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है। एक बारी मैं ओपन कर कर आपको दिखाता हूँ, प्लस यहाँ पास आप देखेंगे तो सेफ्टी आपको पकड़ने के लिए एक जगह भी मिल जाती है। अब मैं आ चुका हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, आपको क्या चीज़ मिलती है, किस तरह से स्पेस मिलती है इसमें। यदि यहाँ पास यदि स्पेस की बात करें तो बहुत ही बड़ा यहाँ पास स्पेस मिल जाता है, क्योंकि इसकी सीट भी बड़ी है, इसमें से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पास सेफ्टी आपको एक फर्स्ट एड किट रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। यहाँ पास मिरर दिया गया है, चार्जर दिया गया है। चार्जर यदि आप देखोगे तो इस टाइप से कुछ चार्जर आपको मिलता है, जो कि होम चार्जर दिया गया है। गैस जो आपके सामने 450 XL स्कूटर खड़ा हुआ है, इसमें जो नॉर्मल पावर की बात करूँ तो 3 किलोवाट की है, यदि पीक आउटपुट की बात करूँ तो 6.4 किलोवाट की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मोटर दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग की यदि बात करूँ तो 1,16,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक्सोरूम प्राइस है, और ये जो प्राइस है वो बेंगलुरु का है। दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश या कहीं और भी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो यदि आप इस टॉप लाइट देखोगे तो कुछ आपको ऐसे लुक निकल कर आता है। यहाँ पास है साड़ी की गार्ड दी गई है ये साइड में, और इसके साथ ही ये टायर दिया गया है, जो कि इसका साइज की यदि बात करूँ तो टायर साइज जो दिया गया है 180 12 इंच का ये टायर है। सिंगल शॉकर आपको अंदर देखने को मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिड ड्राइव मोटर दी गई है, जो कि बेल्ट से कनेक्टेड है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है बैटरी, जैसे कि 2.9 किलोवाट और 3.7 किलोवाट के साथ। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 रेंज भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 111 किलोमीटर IDC रेंज देखने को मिलेगा, प्लस इसके बाद आप 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ यदि जाते हो तो आपको 150 किलोमीटर का रेंज मिल पाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो TFT डिस्प्ले दी गई है वो करीबन 7 इंच की है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में गूगल मैप नेविगेशन जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। चार्जिंग आवर की बात करी जाए तो 2.9 किलोवाट करीबन 5.5 या 6 घंटे के आसपास यह स्कूटर चार्ज हो जाएगी। दोस्तों 450X में 0 to 40 सिर्फ 3.3 सेकंड में चली जाती है, प्लस इसके साथ ही जो टॉप स्पीड है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वो 90 किलोमीटर प्रति आर का रखा गया है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हिल होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, प्लस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉल सेफ दिया गया है, यानी आपका स्कूटर कहीं गिरता है तो उसके लिए यह स्कूटर मोटर को कट कर देगा और ऑफ हो जाएगी और आपके घर तक एक SMS चला जाएगा। गाइस एथर 450X में सबसे बढ़िया बात यह है कि यदि आप कहीं जा रहे हो और कहीं ऐसी जगह है जो कि आपको लोकेशन और एरिया सही नहीं लगता, तो अपना जो लोकेशन है वो अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये एथर ने पहली बार किया है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। सेप्टिक के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी है, प्लस
प्लस यदि आप इधर रिश्ता देखते हैं तो रिश्ता में क्या बात क्या आ जाती है, इसमें जो मोटर दी गई है वो दी गई है मिड ड्राइव मोटर 4.3 किलोवाट की। गाइस यदि इस स्कूटर की स्टार्टिंग प्राइस की बात करो तो 1,09,999 रुपये है और ये एक्स शोरूम प्राइस है। यदि आप शोरूम पे विजिट करोगे तो आपको और सारी डिटेल पता चल पाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।